हेलो एंड नमस्ते दर्शकगण, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यरपास। कुछ यरपास मैं नहीं कर सकती और इसका मूड खराब है, तो आप लोग कर लीजिए मेरे जगह यरपास व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, मतलब हम जा रहे हैं मनाली तरफ, मनाली की तरफ को। मम्मी को कुछ काम है तो अभी शरद आ रहा है हमें लेने, तो अभी हम पहले निकलते हैं और आज का दिन आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बीता। आज शायद बेबी सेटिंग में निकल जाएगा पूरा दिन, है ना कुशु? बात कर दे मुझको, थैंक यू। मूड थोड़ा भी सो के उठाइए। चलो मिलते हैं बीच 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 बाय। और ये कुशु पहन रहा है अपने शूज, है ना? कहाँ जाना कुशु ने? कुशु ने कहाँ जाना? कहाँ जाना? अबू को देखने जाना। अच्छा ठीक है, और इतनी गर्मी में हम आगे बढ़ते हुए, और हमारे साथ मिल चुके हैं हमारे उपभोक्ता हमारे कर्मचारी शरद सेन जी। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, ड्राइव कर रहे हैं। कुछ तो नमस्ते हेलो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बाद में अच्छे से बात करें। मम्मी मम्मी पीछे है। हमारा टमाटर गर्मी से कुछ की हालत देख ली क्या हो गई है। मेरा टमाटर पानी, हाँ हम दोनों लाल हो चुके हैं देखिए। और फिर पहुंच गए हम मनाली, और गेस करिए मनाली जाके हम सबसे पहले किसके पास गए होंगे? ऑब्वियसली हम गए अपनी, नहीं अपनी नहीं, कुशु की उषा मासी के पास, मतलब माउंट व्यू में हम गए थे क्योंकि हमें भूख भी लगी थी। और वहाँ जाके हमने की फिर पेट पूजा, और कुशु को भी खाना था तो कुशु ने भी, हमने टीमो ऑर्डर किया था तो कुशु को भी बहुत मज़ा आया, कुशु ने भी ट्राई किया टीमो। तो दर्शकगण अब मनाली से घूम के हम आ गए, और ये भी थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया था तो सो गया अभी। देखिए धूप पड़ रही है अभी तो, और अभी हम मम्मी का वेट कर रहे हैं, फिर हम रवाना होंगे कुल्लू की तरफ। बट कुल्लू जाने से पहले हम आपको ले जाएंगे अपनी एक जगह जो कि पड़ता है यही रास्ते में, कुल्लू के रास्ते में जहाँ पे हमारा एक प्लॉट है, हम आपको वो भी दिखाने ले जाएंगे अभी, है ना? इसको शेड्स को ऊपर कीजिए, अपनी जहरीली आंखें दिखाइए दर्शकगण को। नहीं नहीं कहीं नशाना हो जाए दर्शकों को। का बाइक भी देखो, मैंने इसको बाइक लगी दी, इतना खेला ये, इतना खेला और फिर गिर गया, और इसने हैंडल भी तोड़ दिया अपने बाइक का, ये देखो सामने से। नहीं नहीं गया बाइक भी, इतना खुश था, अब थक गया मेरे को। ये है हमारा छोटा सा प्लॉट यहाँ पे, ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, जब छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सेब आ गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आलू भी लगाया हुआ है, हमने किसी को दिया हुआ तो उन्होंने आलू लगाया हुआ है, ये देखिए पेड़, देखिए पेड़ पूरे कितने घने पेड़ है, प्यारे प्यारे सेब लगे हुए हैं देखिए। जल्दी से बड़े हो जाओ, टेस्टी टेस्टी से बन जाओ, देखो। तो इतना राउंड मार के हम वापस घर पहुंच गए, और कुशु थक गया था, देखिए वो किस तरीके से सो गया था उसके बाद घर पहुंचने के बाद। ये तो इसका फिर भी थोड़ा नाटक है अभी तो, ये देखिए आप कैसे आइस खोल के स्टार्टिंग है सोने का, ये देखिए कैसे देख रहा है। बट इसको इतनी थकावट हो रही थी तो ये देखिए मतलब ऐसे ही इसने सोना स्टार्ट कर दिया था, और इसके बाद ये जब जागा तो देखिए इसकी शैतानियाँ क्या क्या किया है।
खून किसका है? आखिरकार मेरा खून है। मेरा तो नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली मेरा है। मैं कैसी थी मम्मी छोटे में? मैं कितनी सुलझी हुआ करती थी। मम्मी अपना एक्सपीरियंस बताओ जब मैं छोटी थी। तन्नू बताओ यार, थोड़ा सा तो बताओ। जब मैं छोटी थी तो मैं कैसी हुआ करती थी? वाह, हिंदी में बोलो यार। बोलो मुझे पता है उसमें वो लिखना पड़ता है फिर हिंदी में। आप मासी थप्पड़ दे। हाँ मम्मी समझ रहा है ये बातें, मत बोलो। हे मारने आ रहा है मुझे। बताओ नानी अपा मैं कैसी थी बचपन में? कुछ थप्पड़ मासी अन थप्पड़ क्यूट मतलब मारी। मारी मारी का मतलब लिंडा, लिंडा का मतलब। जिस चीज का डर था वही हुआ। यहाँ देखो इसका पीने, देखो कहाँ मुंह लगाया हुआ, ऊपर लगाया हुआ मुंह। लड़की ने देखो क्या कर दिया हुआ हालत। एक तो इसने मेरे हाथ पे ये सारा फेंका, अब यहाँ फेंका इसने, अभी भी ये नहीं मान रहा है। सब का गिलास कुछ ही है और वो कैसे पी रहा है। मुंह ऊपर लगा रहा है, नीचे लगाने की जगह जगह। दीदी देख तेरा बच्चा क्या आतंक मचा रहा है। पीछे फेंक रहा है। कुशु का आतंक ये होना चाहिए टाइटल, कुशु का आतंक। पीछे गिरा रहा है। अम 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 हिरसु अम 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 तो दर्शक गणेश इसका आतंक तो खत्म होने से रहा। इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दैट इज योर पास व्लॉग। और तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए खुशु का ABC, जो कि इसने बेशक ये थोड़ा उतना क्लियरली नहीं बोलता है, बट अपने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है। ए फॉर वेरी गुड, वेरी गुड। बी फॉर वेरी गुड। सी फॉर वेरी गुड। डी फॉर जल्दी बोलो डॉग। वेरी गुड। ई फॉर उंगली निकाल के। ई फॉर एलिफेंट। वेरी गुड। एफ फॉर फिश। वेरी गुड। जी फॉर गा। ग्रेप्स। वेरी गुड। एच फॉर बोल पहले।
एच फॉर इतना कॉफी है, इतना कॉफी।